नवनियुक्त माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत का शुभागमन गरिमामयी परंपरा अनुसार होने जा रहा है। माननीय नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत का शुभागमन गरिमामयी परंपरा अनुसार होने जा रहा है। नवनियुक्त माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत का शुभागमन मंच पर होने जा रहा है। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री सुरेश कुमार कैत 14 मई 1963 को जन्मे हैं और वे हरियाणा के कैथल जिले से संबंध रखते हैं। न्यायमूर्ति श्री कैत ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आप दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधिपति रहे हैं। आज प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधिपति के रूप में शपथ दिलाएंगे। आवेदन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रधुन के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रधुन के शपथ विधि कार्यक्रम में आगे की कार्यवाही के मैं सुरेश कुमार कैत, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। Thank you.
माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है। आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि राष्ट्रधुन के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रधुन। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त महानुभाव और अतिथिगणों से अनुरोध है कि स्वल्पाहार हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। Thank you.
मैम हम कैमरे से शेयर इतिहास के सभी और संजोए हुए जिन्होंने एक ऐसी अपनी खूबसूरत नेतृत्व से और आज का ये जो हमारे को
खूबसूरत रूपाई बड़ाओं को भी समावेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मानने को करते जी और समझते हुए बात जगह जगह उनका ही है। एयरपोर्ट का नाम भी उधर रखा है।